दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस में लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य को इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तित करें। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं लेट वाले सेंटेंस कितने प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्ट स्पीच में। खासतौर से आपको तीन तरह के सेंटेंस देखने को मिलेंगे जो लेट से स्टार्ट होंगे। पहला टाइप आपका रहेगा प्रपोजल, जिसमें प्रस्ताव का भाव दिया रहेगा जो लेट से स्टार्ट होगा, लेट अस से होगा। ओके, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं लेट अस प्ले अ मैच, यहाँ पे शुरुआत किससे हो रही है, लेट अस से हो रही है। तो इस तरह का ये प्रस्ताव का भाव है, प्रपोजल का सेंस है। सेकेंड टाइप आपको देखने को मिलेंगे रिक्वेस्ट का, जो ये भी लेट से स्टार्ट होगा, इसमें अनुरोध प्रार्थना की रहेगी, विनती किया रहेगा। और थर्ड टाइप का जो सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे जो लेट से स्टार्ट होंगे वो होगा आपका कमांड, ऑर्डर, आज्ञा। ओके, तो हम इनको वन बाय वन करके समझेंगे, लेकिन सबसे पहले अब हम चलते हैं प्रपोजल की तरफ। अर्थात डायरेक्ट स्पीच में जो प्रपोजल रहता है, प्रस्ताव का भाव रहता है, उसको इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तित किया जाए, इसके सबसे पहले हम नियमों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। तो इसका रूल है रूल नंबर वन कि रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहेगा, उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम प्रपोज्ड में या फिर सजेस्टेड में बदल देंगे। इन दोनों में से किसी एक को आप प्रीफर कर सकते हो। सेकंड रूल, कॉमा नोटेड कॉमा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करें। कॉमा नोटेड कॉमा हटाने के बाद इनडायरेक्ट में हम दैट का प्रयोग करते हैं। और रूल नंबर थर्ड है लेट को हटाकर। देखिए डायरेक्ट स्पीच में शुरुआत किससे होगी, लेट से ही होगा, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि लेट को हटाकर ऑब्जेक्टिव केस अस को नॉमिनेटिव केस वी या दे में परिवर्तित करें तथा उसके तुरंत बाद शुड का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है लेट अस प्ले अ मैच, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस अस दिया है उसको हम चेंज करते हैं नॉमिनेटिव केस में, अर्थात वी या फिर दे के रूप में, और उसके तुरंत बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल को हल करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है मोहन सेड कॉमा नोटेड कॉमा लेट अस प्ले अ मैच, मोहन ने कहा चलो मैच खेलें। अब यहाँ पे एक प्रस्ताव का भाव है, यहाँ पे प्रपोजल दी जा रही है, प्रस्ताव रखा जा रहा है कि चलो मैच खेलें। जब हम इसका इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा मोहन, जैसा कि आपने नियम देखा सेड को अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को हमें चेंज करना है प्रपोज्ड में या फिर सजेस्टेड में। चलिए हम इनमें से ले लेते हैं प्रपोज्ड, प्रपोज्ड। फिर इसके बाद कॉमा नोटेड कॉमा हटाने के बाद हमें क्या लगाना है, देखिए सेकंड रूल में क्या कर रहा है, कॉमा नोटेड कॉमा हटाने के बाद आपको दैट का प्रयोग करना है, हमने यहां पे कर लिया दैट का प्रयोग। इसके बाद जो आपका लेट से स्टार्ट हो रहा है लेट को हम हटा देंगे और यहाँ पे जो अस है उसको चेंज कर लेंगे हम वी में या फिर दे में। तो चलिए हम इनमें से लिख लेते हैं वी के रूप में, वी हमने लिख लिया नॉमिनेटिव केस के रूप में वी, और वी के तुरंत बाद हम यूज करते हैं शुड का प्रयोग। चाहे तो आप यहाँ पे दे का भी प्रयोग कर सकते थे, अगर दे भी लगाते तो भी हम शुड का ही प्रयोग कर देंगे। ओके, आगे देखिए वी शुड प्ले अ मैच, स्टॉप। इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट हो गया, मोहन प्रपोज्ड दैट वी शुड प्ले अ मैच। आप चाहे तो यहाँ पे दे का भी प्रयोग कर सकते हैं जैसा मैंने पहले भी बताया, और यहाँ पे आप सजेस्टेड का भी प्रयोग कर सकते थे। अगर हम यहाँ पे सजेस्टेड का प्रयोग करते और यहाँ पे दे का प्रयोग करते तो ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होता, मोहन सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले अ मैच। आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मीरा सेड टू शीला कॉमा नोटेड कॉमा लेट अस डिसाइड आवर कंफ्यूजन वंस फॉर ऑल। इसका इनडायरेक्ट होगा मीरा, सेड को हमें चेंज करना है प्रपोज्ड में, प्रपोज्ड। देखिएगा यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम ऑब्जेक्ट से पहले अर्थात रिपोर्ट प्रपोज्ड के बाद हम टू का भी प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे शीला। देखिएगा पहले वाले सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हमने केवल वहां पे प्रपोज्ड लिखा था और डायरेक्ट वहां पे दैट का प्रयोग कर दिया था कॉमा नोटेड कॉमा हटाकर। लेकिन यहाँ पे
रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, तो जब भी हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रपोज्ड के साथ हमारा टू भी लगेगा, तो प्रपोज्ड टू हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे सजेस्टेड लिखते तो भी यहाँ पर होता सजेस्टेड टू शीला। ओके, कॉमन नोटेड कमा हटाकर हम दैट का प्रयोग करेंगे और फिर वही नियम लगाएंगे, हम लेट को हटाएंगे और अस की जगह पर हम क्या कर देंगे, वी का प्रयोग करेंगे और वी के तुरंत बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे अपनी तरफ से, और बाकी आगे जो सेंटेंस है उसको हम लिखते चले जाएंगे आगे। डिसाइड आवर, अब यहाँ पे आवर एक प्रोनाउन है, पजेसिव है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जानते हैं कि जैसे वी का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, तो वी के अनुसार आवर हमारा आवर में ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आवर कंफ्यूजन वंस फॉर ऑल। ओके, इस प्रकार से इनडायरेक्ट हो गया, मेरा प्रपोज्ड टू शीला दैट वी शुड डिसाइड आवर कंफ्यूजन वंस फॉर ऑल। देखिएगा यहाँ पे प्रोनाउन हमने वी का प्रयोग किया है, इसलिए वी के अनुसार यहाँ पे आवर ही रहेगा। अगर सपोज यहाँ पे हम वी के जगह पर दे का प्रयोग करते, वी के जगह पर हम क्या करेंगे, मान लो दे का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आवर के जगह पर हम देयर का प्रयोग करते। ओके, प्रपोजल वाले वाक्य को समझने के पश्चात अब आइए चलते हैं हम सेकेंड टाइप पर, जिसमें आपको रिक्वेस्ट का भाव देखने को मिलेगा, अर्थात डायरेक्ट स्पीच में जो भी आपका लेट से स्टार्ट होगा वाक्य उसमें एक रिक्वेस्ट का भाव रहेगा। इसमें नियम क्या है कि रूल नंबर वन कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, अर्थात जो भी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू होगा उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय रिक्वेस्टेड में परिवर्तित करते हैं। रूल नंबर सेकंड है, लेट को टू लेट में बदलते हैं। डायरेक्ट स्पीच में कॉमा और इनवर्टेड कॉमा, जैसे यहाँ पर देखिएगा कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाद लेट का प्रयोग हुआ है, तो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसको हम टू लेट में परिवर्तित कर देंगे। अब आइए हम एग्जांपल के माध्यम से इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल है, शी सेड टू हिज ऑफिसर कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट मी गो होम। उसने अपने ऑफिसर से कहा कि मुझे घर जाने दीजिए। अब मुझे घर जाने दीजिए, यहाँ पे वह अपने ऑफिसर से क्या कर रही है, एक प्रकार का रिक्वेस्ट कर रही है, अनुरोध कर रही है, प्रार्थना कर रही है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो कैसे लिखेंगे, शी, चूंकि हमें यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में परिवर्तित करना होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग रिक्वेस्ट का भाव दे रहा है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का हिज ऑफिसर है, तो वही लिख लेंगे हिज ऑफिसर। आगे देखिएगा कॉमा इनवर्टेड कॉमा है और उसके बाद लेट का प्रयोग हुआ है, तो नियमानुसार हम क्या करेंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर लेट को हम बदल देंगे टू लेट में, तो यहां पे हम कर लेते हैं टू लेट। प्रोनाउन मी का प्रयोग हुआ है, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, शी। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे सी है और यहाँ पे मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो हमें शी को भी बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, और शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हर का प्रयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे गो होम स्टॉप। इस प्रकार से हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हर गो होम। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट मी गो टू स्कूल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ पे क्या है कि ही सेड, उसने कहा लेट मी गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने दीजिए। अब यहाँ पे भी क्या है, एक प्रकार का रिक्वेस्ट का भाव है, अनुरोध की गई है, प्रार्थना की गई कि उसे स्कूल जाने दिया जाए। तो यहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ही और सेड को हम चेंज कर लेंगे रिक्वेस्टेड में, हमने यहाँ पे लिख लिया रिक्वेस्टेड, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाने के बाद लेट को हम चेंज कर लेंगे टू लेट में, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लेट अपने जगह पर है और कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर हम केवल टू का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे देखिएगा मी फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो हमें देखना पड़ेगा कि मी कौन से फॉर्म में है, तो मी एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमें ही को भी बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। इस प्रकार से हमने लिख लिया यहाँ पे हिम गो टू स्कूल। ओके, और ये इनडायरेक्ट हो गया, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो टू स्कूल। हमारा तीसरा टाइप है कमांड ऑर्डर, अर्थात डायरेक्ट स्पीच में जो लेट्स वाक्य स्टार्ट होगा उसमें एक कमांड का भाव रहेगा, ऑर्डर का भाव रहेगा।
आइए अब हम सबसे पहले इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के क्या नियम हैं, और इसके बाद हम फिर एग्जाम्पल पे चलते हैं। रूल नंबर वन है कि रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदलते हैं, अर्थात इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड रहता है उसको हम ऑर्डर्ड में परिवर्तित कर लेते हैं। और रूल नंबर टू है कि कॉमन नोटेड कमा हटाकर लेट के स्थान पर दैट लिखते हैं, फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहाँ पे जो डायरेक्ट स्पीच में कॉमा इनवर्टेड कॉमा है उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम दैट का प्रयोग करेंगे, और लेट को हटाने के बाद आगे जो आपका नाउन या प्रोनाउन रहेगा उसको हम लिखेंगे, और उसके तुरंत बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जांपल को देखते हैं। द किंग सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट द मैन बी सेट फ्री स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। राजा ने कहा आदमी को आजाद कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे राजा क्या कर रहा है, एक प्रकार का कमांड कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। द किंग, यहाँ पे सेड को हम चेंज कर लेंगे ऑर्डर्ड में, जैसा कि आप ऊपर रूल नंबर वन में देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदलना है, तो यहाँ पे हमने सेड को बदल दिया ऑर्डर्ड में, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाने के बाद हमें दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे दैट का प्रयोग, जिस तरह से आप उसमें प्रपोजल वाले भाव में देख रहे थे, प्रपोजल वाले वाक्य में देख रहे थे कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाने के बाद हम दैट का प्रयोग कर रहे थे, उसी तरह हम यहाँ पर भी कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। और लेट के बाद जो आपका नाउन या प्रोनाउन रहता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, तो यहाँ पे हम करेंगे द मैन लिख लिया, और जो ये नाउन है, और नाउन के ठीक बाद हम क्या लिखेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे, अपनी तरफ से जोड़ेंगे शुड, और आगे बढ़ जाएंगे जो भी शब्द है उसको लिखते जाएंगे बी सेट फ्री। ओके, तो इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट हो गया, द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। सेकंड एग्जांपल है, द कमांडर सेड कॉमा नोटेड कॉमा लेट द गेट बी लेफ्ट ओपन। कमांडर ने कहा कि गेट को खुला रहने दो, खुला छोड़ दो। ओके, तो यहाँ पे कमांडर क्या कह रहा है, तो गेट को खुला रखने की बात कर रहा है, एक प्रकार का ऑर्डर दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंज करिए इसको, द कमांडर सेड को हम बदल देंगे ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे दैट। ओके, और लेट को चूंकि हमें हटाना है, और उसके लेट के बाद जो आपका द गेट है उसको हम लिखेंगे, पहले जो नाउन है उसको लिखेंगे द गेट, और नाउन के बाद हम शुड का प्रयोग अपनी तरफ से जोड़ेंगे शुड, आगे बढ़िए डी लेफ्ट ओपन, और इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट हो गया, द कमांडर ऑर्डर्ड दैट द गेट शुड बी लेफ्ट ओपन। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपने दोस्त विनय को नमस्कार।